नमस्कार। गोल आपने सेट कर लिया अपनी लाइफ के लिए, आपको पता है कि यार मैंने अपने लाइफ के लिए गोल सेट कर लिया और आप खूब मेहनत कर रहे हो, आप रात दिन एक कर रहे हो उस गोल को पाने के लिए, लेकिन उसके लिए आप सही स्ट्रेटेजी नहीं अपना रहे हो तो आपकी मेहनत बेकार हो जाएगी और आपका गोल आपसे कभी भी नहीं पा पाएगा। अगर आपको अपना गोल अचीव करना है तो उसके लिए सही स्ट्रेटेजी आपको अपनानी होगी। महाभारत में आपने देखा होगा भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ में रहते हैं और कितने दिनों तक महाभारत का युद्ध चला, रोज युद्ध होता और रोज शाम को अगले दिन युद्ध की स्ट्रेटेजी बनाते श्री कृष्ण, क्योंकि उनको पता था कि आप कितनी ही मेहनत करो लेकिन अगर आपके लक्ष्य के प्रति अगर आप स्ट्रेटेजी आप रणनीति बनाकर काम नहीं करोगे ना तो आपकी मेहनत बेकार होगी, आपका लक्ष्य आपका गोल आपको अचीव नहीं होगा। गोल अचीव करने के लिए ये 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। नंबर 1, गोल आपके पर्सनल महत्व का होना चाहिए। किसी के देखा देख अपना गोल सेट मत करना। अपने परिवार के दबाव में, अपने समाज के दबाव में, अपने दोस्तों के दबाव में, अपने रिश्तेदारों के दबाव में और अपने जो आसपास रहते हैं उन लोगों के दबाव में आप अपना गोल सेट मत करना। कुछ अपना सेल्फ सेटिस्फेक्शन भी होना चाहिए। आप जिस गोल को अचीव करो तो अंदर से खुशी पैदा होनी चाहिए कि हाँ यार ये गोल मैंने वाकई में अचीव किया। जब अंदर से खुशी निकल के आएगी ना तब आपको असली खुशी होगी, लेकिन तब आप अपने गोल के लिए सही मेहनत कर पाओगे। वरना आप दूसरों के महत्व का गोल अचीव कर रहे हो तो आप इतनी मेहनत नहीं कर पाओगे, इतनी लगन से काम नहीं कर पाओगे। गोल आपके पर्सनल महत्व का होना चाहिए, तभी आप सही तरीके से आगे बढ़ पाओगे। 2, अपने गोल को टुकड़ों में बांटें। गोल अचीव करने के लिए आपने टारगेट सेट कर दिया है, गोल कभी एक दिन में पूरा नहीं होता है, गोल प्राप्त करने के लिए वर्षों का समय लगता है। अपने गोल को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटें, जैसे डेली छोटा गोल लें, फिर आप वीकली लें, फिर मंथली लें और फिर ईयरली लें। अगर अपने गोल को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटोगे ना तो वह गोल आपको प्राप्त करने में आसानी रहेगी। पहले अगर आपने पहाड़ जैसा गोल ले लिया तो कैसे प्राप्त होगा? उस पहाड़ को अगर पार करना है तो छोटे 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 स्टेप आपको लेने होंगे। लक्ष्य चुनने में सावधानी बरतें। आपने कोई लक्ष्य प्राप्त किया है, प्राप्त करने वाले हो, उसके लिए गोल सेट कर लिया, लेकिन अपनी क्षमता अपनी एबिलिटी भी तो देखें। आपने गोल सेट कर लिया इतना बड़ा और अगर आपके अंदर क्षमता नहीं है उस गोल को पाने के लिए तो उस गोल आप कभी नहीं पा पाओगे। अपनी एबिलिटी पहचाने तभी आप गोल सेट करें। दूसरों का देखा देख, हो सकता है दूसरों की एबिलिटी अलग हो, आपसे कुछ काम करने की उनमें ताकत अलग हो, इसलिए वो गोल तय कर रहे हैं। आप अपना गोल अपनी क्षमता के अनुसार तय करें, अपनी एबिलिटी के अनुसार तय करें, दूसरों की क्षमता के अनुसार आप अपना गोल सेट न करें। लक्ष्य कोई पत्थर की लकीर नहीं। आपने कोई लक्ष्य सेट किया है और मान लो वो 100% पूरा नहीं हुआ, वो 80% ही पूरा हुआ, तो भी आपको एक खुशी होनी चाहिए। जरूरी नहीं कि आप जो तय करो वही गोल आपको मिले, हो सकता है उसे थोड़ा बहुत कम भी मिले तो भी सेटिस्फाई होना जरूरी है। इसीलिए लकीर के फकीर मत बनना कि नहीं मेरा गोल 100% अचीव क्यों नहीं हुआ, मुझे 100% पूरा करना है, मुझे वहां तक जाना ही है। ऐसा नहीं, कभी कभी जरूरी नहीं कि आप किसी रेस में रेस लगा रहे हो और आपके साथ में 10 कॉम्पिटिटर हैं तो जरूरी नहीं कि 10 ही फर्स्ट आए। सब अपनी क्षमता के अनुसार अलग अलग फर्स्ट आते हैं। तो जब आपको गोल कम प्राप्त हो तो कोई बात नहीं, अगली बार खूब मेहनत करें और अपनी जो कमी है वो पूरी करें और गोल अचीव करने की कोशिश करें। छोटे छोटे कदमों से आगे बढ़े। आप गोल आपने तय किया है तो सबसे पहले तो छोटे कदम तय करें। आपको पता है कि मेरे को लंबे चलना है, बहुत ही रास्ता सफर तय करना है, तो आप क्या करोगे? छोटे छोटे कदम तय करोगे तभी तो आगे बढ़ पाओगे। क्या अचानक दौड़कर आप उस गोल को प्राप्त कर पाओगे? नो, नेवर। गोल को प्राप्त करने के लिए आपको छोटे छोटे कदम चलने पड़ेंगे, आपको छोटे छोटे टारगेट रखने पड़ेंगे, तभी आप अपने गोल को प्राप्त कर पाओगे, वरना आप रास्ते में ही रुक जाओगे। 6, प्रेरणा और निरंतरता।
आपको अपने लक्ष्य के लिए समय समय पर आपको प्रेरणा लेनी होगी, आपको सेल्फ मोटिवेट करना होगा खुद को, और आपको निरंतरता रखनी होगी। आपने लक्ष्य पाने के लिए दौड़ लगा दी है, लेकिन जब आप थोड़े से दौड़े रुक गए, आपने निरंतरता नहीं रखी, तो आपका लक्ष्य आपको मिलेगा नहीं। कोई भी खिलाड़ी ओलंपिक गेम्स की तैयारी करता है तो क्या करता है, उसके पीछे सालों की मेहनत होती है, 5 साल 6 साल रेगुलर कंसिस्टेंसी निरंतरता के साथ में वो मेहनत करता है, तब जाकर गोल अचीव होता है। ऐसे थोड़ी के 10 दिन किए फिर वापस कर लिए, साल भर किए फिर वापस रुक गए, 2 साल किए फिर वापस किए, ऐसे गोल प्राप्त नहीं होता है। गोल के लिए खुद को मोटिवेट करना होता है, गोल के लिए निरंतर आपको चलना होगा, तभी आप अपना गोल पा पाओगे। 7, अपने गोल के प्रति आपको स्वयं को ईमानदारी रखनी होगी। आप अपने गोल के प्रति आलस करोगे, आप अपने गोल के प्रति बहाने बनाओगे, तो यह धोखा किसको दोगे, आप अपने आप को धोखा दोगे। सबसे पहले आपको अपने गोल के प्रति ईमानदारी रखनी होगी, खुद को ईमानदार रखना होगा अपने गोल के प्रति। कोई भी बहाना, कोई भी आलस्य अपने गोल के प्रति नहीं रखना होगा आपको।